हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। ध्यान रखने योग्य बातें, एक बार अपना कीमती समय निकालकर जरूर पढ़े। नंबर 1, यदि कान में दर्द हो तो सरसों के तेल में 1-2 कली लहसुन की डालकर इसे हल्का गर्म करके कान में डालें, इससे कान दर्द में आराम आ जाएगा। नंबर 2, दांत में दर्द होने पर अदरक का टुकड़ा नमक के साथ दांत के नीचे दबाने से आराम मिलता है। नंबर 3, संतरे के रस में नमक व काली मिर्च डालकर कुछ महीने पीने से नज़र की कमजोरी दूर हो जाती है। नंबर 4, तुलसी के रस में शहद मिलाकर कुछ दिन पीने से चक्कर आने दूर हो जाते हैं। नंबर 5, हल्दी को सरसों के तेल में मिलाकर शरीर पर लगाने से सभी प्रकार के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। नंबर 6, असली शहद को आंखों में सुरमे की तरह लगाने से हर प्रकार के नेत्र रोग दूर होते हैं तथा नेत्र ज्योति बढ़ती है। नंबर 7, रात को सोते समय काली मिर्च पाउडर में थोड़ा सा पानी मिलाकर मुहासों पर लगाने से मुहासे ठीक हो जाते हैं। नंबर 8, आग से जल जाने पर तुरंत नारियल का तेल लगाकर ऊपर से हरी मेहंदी लगाने से जलन शांत होती है। नंबर 9, टमाटर का रस चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। नंबर 10, दिल की धड़कन बढ़ती हो तो सेब का मुरब्बा सुबह खाली पेट सेवन करने से लाभ होता है। नंबर 11, गाय का ताजा घी नाक में डालने से नकसीर का बहना रुक जाता है। नंबर 12, जितना हो सके गर्म पानी पिए, इससे गले में जमा हुआ कफ खुलेगा और आपको खांसी से राहत महसूस होगी। नंबर 13, रोजाना अंगूर खाओ, बाल झड़ना रुक जाएंगे। नंबर 14, काले अंगूर खाने से चेहरे का रंग साफ हो जाता है। नंबर 15, खाना चबा चबा कर खाओ, बीमारी जल्दी करीब नहीं आएगी। नंबर 16, जिन लोगों को दिल की बीमारी हो उन्हें आलू बुखारा खाना चाहिए। नंबर 17, अनार के छिलकों को सुखाकर चूर्ण बना ले, इस चूर्ण का सेवन करने से पुरानी खांसी और एलर्जी में आराम आ जाता है। नंबर 18, रोजाना रात को सोने से पहले अपने दांतों को साफ जरूर करें, इससे आपके दांत कभी खराब नहीं होंगे और ना ही कभी कमजोर होंगे। नंबर 19, रात को हमेशा कम मात्रा में ही खाना खाएं और मीठी चीज़ों से परहेज करें। नंबर 20, अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी खाना खिलाए ताकि वह हमेशा स्वस्थ रहे। अगर बचपन में हड्डियां मजबूत हो तो इंसान बुढ़ापे तक स्वस्थ रहता है। नंबर 21, जो खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं उन्हें बहरेपन की बीमारी हो जाती है। नंबर 22, सोकर उठने के बाद भी अगर आपको दोबारा नींद आने लगे तो समझ लो आपका दिमाग कमज़ोर हो रहा है। नंबर 23, अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो पोहा खाया करें। नंबर 24, पेट के बल सोने से कमर में दर्द होता है, क्योंकि इस तरह से सोने से आपकी रीढ़ की हड्डी सामान्य आकार में नहीं रह पाती। नंबर 25, रोजाना सुबह 3-4 काजू खाकर ऊपर से थोड़ा सा शहद चाटने से याददाश्त बढ़ती है और दिमागी कमजोरी दूर होती है। नंबर 26, जिस सुराख से कीड़े मकोड़े निकलना बंद न हो रहे हो वहाँ खजूर की गुठली रख दे, कीड़े मकोड़े निकलने बंद हो जाएंगे। नंबर 27, अगर गला खराब हो और आवाज़ भी बिल्कुल ना निकल रही हो तो मुलेठी का सेवन करें, इससे गला ठीक हो जाएगा। नंबर 28, पुदीना अदरक और अनार के दाने को मिलाकर उसकी चटनी बना ले और दोपहर के खाने में सेवन करें, इससे ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी नहीं होगी। नंबर 29, सूखे धनिए के 3-4 दाने चबाने से उल्टी नहीं आती है। नंबर 30, 2 चम्मच शहद को 1 कप पानी में मिलाकर पीने से पुराना नज़ला जुकाम ठीक हो जाता है। नंबर 31, अगर आपका वजन नहीं बढ़ रहा है तो फिर आप अखरोट, केले और सेब से बने शेक का सेवन करें, इससे वजन बढ़ने लगेगा। नंबर 32, जो लोग दांतों से अपने नाखूनों को काटते हैं उनका दिमाग कमज़ोर हो जाता है और पेट में दिक्कत हो जाती है। नंबर 33, अगर आप दिन भर मेहनत करते हैं तो आप रोज़ाना दूध का सेवन जरूर किया करें,
इससे आपको थकावट महसूस नहीं होगी। नंबर 34, स्ट्रॉबेरी का जूस पीने से खून साफ होता है। नंबर 35, अगर गले में इन्फेक्शन हो जाए तो गुनगुने पानी में थोड़ी सी हल्दी और नमक मिलाकर गरारे करें, इससे बहुत आराम मिलता है। नंबर 36, रोज़ाना आंवले का मुरब्बे का सेवन करने से आपको विटामिन सी की कमी नहीं होगी। नंबर 37, रात के समय चावल कम खाया करें, इससे मोटापा जल्दी बढ़ने लगता है। नंबर 38, सलाद में बंद गोभी खाने से मोटापा कम हो जाता है। नंबर 39, आप जब भी अपने नखूनों को काटें तो तेल लगाएं, इससे आपकी याददाश्त बेहतरीन होगी और कमज़ोर नज़र भी तेज हो जाएगी। नंबर 40, कटा हुआ नींबू अपने फ्रिज में रख दें, इससे फ्रिज के अंदर बदबू नहीं फैलेगी। नंबर 41, रात के समय कम खाना खाने से मोटापा धीरे धीरे कम हो जाता है। नंबर 42, बच्चों को मिट्टी खाने की आदत छुड़ाने के लिए शहद के साथ केला खिलाएं। नंबर 43, अदरक वाला पानी पीने से जमा हुआ खून चलने लगता है। नंबर 44, रोज़ाना दूध के साथ बादाम का सेवन करने से याददाश्त तेज हो जाती है। नंबर 45, रोज़ाना थोड़ी देर धूप में ज़रूर बैठना चाहिए, इससे विटामिन डी की कमी नहीं होती और शरीर भी ठीक रहता है। नंबर 46, धनिए का पानी पीने से थायराइड की दिक्कत दूर हो जाती है। नंबर 47, बालों को काला, लंबे और घने करने के लिए नारियल के तेल में मेथी दाना, आंवला और थोड़ी सी कलौंजी मिलाकर काली कढ़ाई में तेल को अच्छी तरह से गर्म करें और फिर ठंडा होने पर लगाएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।